विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर बलौदाबाजार के नागरिकों ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर रक्तदान किया। बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग एवं महिलाएं शामिल हुई। सबसे पहले ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर अशोक वर्मा ने रक्तदान किया। इसके बाद रक्तदान करने वालों की लाइन लगी रही। इस अवसर पर ब्लड डोनेट करने वालों को सिविल सर्जन डॉक्टर अभय सिंह परिहार ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबको देना चाहिए, इससे कोई नुकसान नहीं है, उल्टा बेनिफिट है और आगे भी मैं दूंगा। ये मेरा प्लान है। आपके पास फोन आया भैया को, तो बस मुझे इच्छा हो गई कि मैं भी ब्लड डोनेट करूँ। आप पहली बार दे रही हैं? हाँ, आपने पहली बार। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि किसी को मेरे ब्लड की जरूरत होगी तो मिल सके। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इससे पहले भी 9 बार दे दिया था, आज 10वां बार भी ब्लड डोनेट किया हूँ और हमेशा ऐसा ऑफर आएगा तो मैं देते रहूँगा ताकि दूसरों का भला हो सके जिसको जरूरतमंद है। 8वीं बार ब्लड डोनेट किया हूँ। पहले मैं रायपुर में मेकाहारा में किया था और उसी के ब्लड बैंक में किया था और आज विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में आज मैंने रक्तदान किया है और मेरे को बहुत सुकून लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये रक्तदान करने से किसी को कमजोरी या ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि आज मैं रक्तदान करने के बाद इतना हाफा दौड़ किया हूँ उस केस को मैनेज करने के लिए, लेकिन किसी भी तरह से मेरे को कोई कमजोरी या ऐसा नहीं लग रहा है। सुबह 9 बजे आज 14 जून 2019 को आज रक्तदान शिविर का उद्घाटन 9 बजे हुआ। इसमें सबसे पहले हमारे यहाँ के ब्लड इंचार्ज डॉक्टर AK वर्मा द्वारा रक्तदान किया गया। जबलपुर